सब लोग। ये देखिए ये लिली में कितनी सारी फ्लावर्स बर्ड्स आई हैं, आप देख सकते हो। एक ये है इधर, ये और एक इधर। तो ये वही पॉट है जिसमें मैंने शीडलिंग की हुई थी। तो इसमें अमेरिस लिली में इस तरीके की फ्लावर बर्ड्स बन रही है। तो ये जब खिल जाएंगे पूरी तरह तो मैं आपको इस इनको ज़रूर दिखाऊंगी। एक ये भी है अमेरिस लिली, देखिए ये मैंने ज़मीन पे लगाया हुआ है और इस पर तो इस पर आई हैं फ्लावर बर्ड्स। ये देखिए, और एक ये इधर है। तो जैसे ही ये खिलेंगे मैं आपको इन्हें ज़रूर दिखाना पसंद करूँगी कि ये कौन से कलर के हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सीली आज इस तरीके से इन्हें फूल खिल चुके हैं, ये आप देख सकते हो। एक इधर भी है, ये देखिए इसके एक कितने सारे निकले हैं एक कली में इसके। देखिए ये देखिए 5 निकले हैं अमेरिस लिली के फ्लावर। और इसमें भी आप देख सकते हैं छोटा सा है, ये इस तरीके से निकल रहा है, ये देखिए। और मैं आपको और भी दिखाती हूँ, जो दूसरी वैरायटी है ये थोड़ी शेडेड है। दूसरी वाली एक मेरे पास प्लेन रेड है, ये भी रेड शेडेड है बट वो प्लेन रेड है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एक अमेरिलिस लिली फ्लावर। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक अमेरिलिस लिली यहाँ पे भी लगाया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी काफ़ी सारी बर्ड्स आई हुई हैं, और ये भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है अपना मेरा ये प्लांट। और कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए, वाव! इसे तो देखकर ही मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। कितना खूबसूरत, कुदरत ने भी ना जाने कैसे रंग भरे हुए हैं इन फूलों पे। और बहुत ही मुझे लगाव है फूलों के साथ, और जब इस तरीके से वो आपकी मेहनत से खिलते हैं तो उन्हें देखकर अलग ही खुशी महसूस होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने इसे सिंपल एक ऑयल के कंटेनर में लगाया हुआ है। इसी तरीके के कंटेनर जो होते हैं मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, और इसी तरीके से मैंने ये लगाया हुआ है। आप देखिए इसकी जो सॉइल है वो भी मॉइस्ड है, और इसी की जो लीव्स सूख जाती हैं वो मैं इसी में डाल देती हूँ, मैंने फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छी कंपोस्ट का काम करती है। प्लांट्स को पूरी केयर मिलती है उस कंपोस्ट से। तो देखिए मॉइस्ड आप इसकी मिट्टी को रख सकते हो, लेकिन इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बल्ब से लगने वाला एक प्लांट है। और इसकी जो लीव्स आप देख रहे हो इतनी लंबी लंबी हो रही हैं, मैं तो वैसे इन्हें कभी भी इतना लंबा नहीं होने देती हूँ, लेकिन इनकी खूबसूरती इन लीव्स से ही आप देख सकते हो है। ये इतनी लंबी पहली बार हो गई हैं, वरना मैं इन्हें कट कर देती हूँ और फिर इतनी लंबे ये जब खिलते हैं तो पॉट्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आपने इन्हें ध्यान देना है कि ना ज़्यादा इन्हें धूप चाहिए, और अगर छाँव में भी हम इन्हें संजो कर रख लें नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये बल्ब से ही लगते हैं और बल्ब जब तक इसकी मिट्टी में हैं तब तक वो सेफ़ हैं। और आप उन्हें हमेशा सर्दियों में संजो कर रखें, उन पर ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें, उसकी मिट्टी को आप सूखा ही रहने दें, क्योंकि बसंत इनका स्प्रिंग जो सीज़न होता है बसंत, वही इनके फूलों के लिए बेस्ट है। तो पूरी ठंड में ये अपनी नींद में रहते हैं, फ्लावरिंग नहीं करते हैं,
और इनकी जो लीव्स हैं वो ही बढ़ती जाती हैं, और जब इसमें फ्लावर ना भी हो दोस्तों तो इसकी जो लीव्स हैं वो आपके गार्डन को एक अलग ही लुक देती हैं। खूबसूरत हैं इसकी लीव्स भी, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा टेक्सचर इनकी लीव्स का होता है ये, तो देख सकते हैं आप। और इसे मैंने कोई खाद वगैरह खास नहीं दी है, ना कोई फर्टिलाइज़र दिया है, ये अपनी नॉर्मल जो घर की कंपोस्ट होती है वही मैं कभी इस पर डाल देती हूँ, पत्ते वगैरह सब, और ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद, बस उसी का ये कमाल है। कोई भी मैं इसे कोई फर्टिलाइज़र मैंने नहीं दिया है कि मैं इसकी, ये हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, सारे जो बल्ब वाले होते हैं वो मुझे हार्डी ही लगे हैं अभी तक, और कोई परेशानी नहीं करते हैं ये लोग ग्रो करने में, और गार्डनर्स को मेरे हिसाब से इनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए कितना प्यारा कलर है इनका, गॉड आई जस्ट लव दिस प्लांट। तो आप भी बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। सो होप करती हूँ गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, और मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।